वंस अगेन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मेरे रोज के वीडियो नहीं मिलेंगे। ये वीडियो कॉमेक्स, एमसीएक्स और निफ्टी के लेवल्स हैं। इसमें एमसीएक्स और निफ्टी के लेवल्स वीडियो के लास्ट में है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप एमसीएक्स और निफ्टी के लेवल्स देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये कल गोल्ड का चार्ट है। कल आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था सेलिंग करनी चाहिए हमें, और कल हमने अपने पेड क्लाइंट्स को सेलिंग ही एडवाइस दिया था। कॉमेक्स में गोल्ड का ऑलमोस्ट टारगेट हो गया है, देखो 76 का लो बनाया, 76 का ही टारगेट था, बट हमने 77 के आसपास बुकिंग कर लिया था प्रॉफिट को। एमसीएक्स में भी सिल्वर सेलिंग था, वो उसका टारगेट हो गया था, और कॉमेक्स में भी सिल्वर सेलिंग में हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट $5 से $6 बाउंस कर गया है कल के लोज से, और अभी भी इसमें एक रेजिस्टेंस है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1288 का, सपोर्ट रहेगा $1275 का। ध्यान रखिएगा अगर 1288 के ऊपर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो $1292 और $1299 भी जा सकता है, और अगर 1275 के नीचे निकला तो $1265 और $1260 भी जा सकता है। अगर आप सेलिंग में हो तो 1288 के ऊपर होल्ड मत कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आप बाइंग में हो तो 1275 के नीचे होल्ड ना करें। ट्रेंड इसका अभी भी थोड़ा सा वीक है, बट मैं यहाँ पे सेलिंग की एडवाइस नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करें, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दें। थोड़ा स्टेबल होगा तो थोड़ा डिप्स में बाइंग का सोचें, सेलिंग का थोड़ा अभी यहाँ पे ना सोचें। चलिए सिल्वर को देखते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने भी कल 28 के आसपास का लो बनाया, हम 32 के आसपास निकल गए थे, 1432 के आसपास 1455 के आसपास हमारी सेलिंग थी, और चांदी में भी हमारी सेलिंग थी जिसमें हम 320 के आसपास निकले थे, और 550 के आसपास शायद सेलिंग थी, 550-540। अभी 1439 चल रहा है, 10 से 11 सेंट का रिकवरी आ चुका है इसमें। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस आज का रहेगा 1460 का, सपोर्ट है इसका 1420 का। अगर आप बाइंग में हो या आपने अभी बाइंग कर रखी है पुरानी बाइंग भी, 1420 के नीचे होल्ड ना करें। 1420 के नीचे और मार्केट में वीकनेस आ सकता है, 1420 के नीचे मार्केट 1400 और 1380 जा सकता है, और अगर आप सेलिंग में हो तो 1460 के ऊपर होल्ड ना करें। 1460 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ तो $1480 और $1500 भी जा सकता है। अभी फिलहाल इसको डिप्स में बाइंग करने का आइडिया ज्यादा बेटर है, सेलिंग करने से थोड़ा बचे यहाँ पे और डिप्स में बाइंग करें। चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं। यह है क्रूड ऑयल, $1.50 की रेंज में चल रहा है और सबको परेशान कर रहा है। ये देखिए यहाँ से 58 से लेके 59-30-40 तक बस यही चल रहा है, तो उतने दिन से सभी को परेशान कर रहा है। ये भी थोड़ी सी एक नैरो रेंज में चल रहा है जिसकी वजह से फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और काफी लोगों को ट्रेडिंग करने में परेशानी हो रही है, इंक्लूडिंग अस। चलिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है 59-20 का, सपोर्ट है 57-80 का। 57-80 के नीचे निकला तो $57 और $55 भी जा सकता है। ध्यान रखिए अगर आप बाइंग में है तो 57-80 के नीचे थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाएं, सेलिंग में है तो 59-20 के ऊपर थोड़ा सा आपको चिंता करने की जरूरत है। चलिए एमसीएक्स के लेवल देख लेते हैं। एमसीएक्स में कॉपर का लेवल देखते हैं। कॉपर हमारी सेल चल रही है कल से। एमसीएक्स कॉपर का आज का सपोर्ट है 413-80 का, रेजिस्टेंस है 417-20। कल से हमारी सेल चल रही है, टारगेट आने ही वाला है। 1740 से हमारी कल ये एमसीएक्स कॉपर सेल चल रही है। क्रूड ऑयल भी कल हमने सेल दिया था। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 41-51, सपोर्ट है 4058।
यह निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टर मैंने आपको लिख दिया है। निफ्टी डाउ जोन्स के 300 पॉइंट नीचे होने के बाद भी अटकी पड़ी है। इनफैक्ट कल हमारा डाउ जोन्स भी सेलिंग में था, उसका भी टारगेट आ गया था 600 585 पे सेल किया था, 470 पे हमने डाउ जोन्स बुक कर लिया। अभी तो डाउ जोन्स 300 के आसपास चल रहा है। फिलहाल निफ्टी की एक्सपायरी है जिसकी वजह से मार्केट अभी भी थोड़ा रुका हुआ है। मुझे लग रहा है एक्सपायरी थोड़ी ऊपर करने के आसार हैं, बट एक्सपायरी के बाद थोड़ा नीचे आना चाहिए निफ्टी को। बट रेजिस्टेंस ध्यान रखें, निफ्टी 1100 11951 का रेजिस्टेंस है। ये स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर के लेवल्स नहीं है, तो ये एक्सपायरी के बाद भी वैलिड रहेंगे। तो 11951 के ऊपर निकला तो 12000 और 12050 जा सकता है, 880 के नीचे निकला तो 800 और 700 जा सकता है। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए कल वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।